कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। तो लगता है जनता को देखने वाली मूवी है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे अजय देवगन की एक्टिंग के लिए? एक्टिंग बहुत बढ़िया है, सबकी एक्टिंग बहुत बढ़िया है। रहीम सर के लिए, उस समय के लिए, उनके संघर्ष के लिए जल्दी से बोल दीजिए कैसा लगा? बहुत अच्छा, इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। मैदान देख कर आए, प्लीज सर बताइए। हाँ जी, कैसी रही मैदान? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, लगता सभी के देखने वाली मूवी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल सभी के बिल्कुल। हाँ जी, शुक्रिया जी, आप में आइए। हाँ जी, प्लीज बोलिए। परफेक्ट परफेक्ट मूवी है, बहुत बढ़िया। किस तरह से लगा उसे? रिकॉर्ड बायोपिक थी, कैसी रही? हाँ, बायोपिक थी और मतलब बहुत एंटरटेनिंग भी थी, इंस्पायरिंग भी थी। हाँ जी मैम, आप बताइए फटाफट से। सुपर मूवी, वेरी इंस्पायरिंग एंड No words. जो फुटबॉल के लिए भी बोर नहीं हुए, ऐसा लग रहा था कि लाइव मैच देख रहे हैं, बेस्ट पार्ट ये था। और अजय देवगन के लिए क्या कहेंगे? मतलब सुपर, कैसे ग्रेट होते तो ये मजा आता ही नहीं, मजा ही नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, बड़ी नेचुरल। कोच के लिए बोलिए जिनका संघर्ष दिखाया गया। सच बात है, मतलब अभी भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और आज तक जीतने के लिए वेट ही कर रहे हैं। ऐसा कोच दोबारा मिला ही नहीं, दोबारा मिला ही नहीं। इंडिया को जरूरत है वैसे संघर्ष करने वाले कोचेस, सच में बहुत जरूरत है। अगर ऐसे होंगे तो माया मे भी हमारा इंडिया दोबारा विन करेगा, मे भी ऐसे बच्चे फिर कल अच्छी टीम बना सके। आप बताओ कैसी रही मूवी? अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, फुटबॉल देखने में मजा आया। लगता है फुटबॉल खेलना चाहिए और अच्छे से खेलना चाहिए। हम तो खेलते ही हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आप बोलिए, पहले आप। बहुत अच्छा, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मतलब मूवी देख के ऐसे लग रहा था जैसे एक तो हिस्ट्री आप रिलीव करते हो, जिसके मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। अगर मैं आपको बताऊं तो आज जाके ज़रूर मैं सर्च करूंगी, पढ़ूंगी, क्योंकि हमें तो ऐसे लगता था कि फुटबॉल इंडिया में है ही नहीं, है ना। बट हिस्ट्री देख के लगता है कि नहीं, समथिंग वॉज देयर और इट वॉज़ वेरी गुड। ये एक्चुअली हमारा फुटबॉल लवर है। फुटबॉल लवर है तो किस तरह से देखा, क्या कुछ नॉलेज? और पर्सनली मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे मैं फुटबॉल वैसे भी देखता हूँ, बहुत खेलता भी हूँ खुद से, तो इंडिया के बारे इतना पता लगा इस मूवी के थ्रू। ऐसी सी और आनी चाहिए, और जुनून पैदा हुआ देखते देखते। हाँ, मतलब एक होता है अंदर से कि ऐसा है तो हमें भी करना चाहिए, हमें भी आना चाहिए टीम में। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू। सारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। हाँ, एंजॉय, इट वाज मतलब गुड मूवी। अननोन फैक्ट्स हैं जो आम पब्लिक को नहीं पता, हमने भी फर्स्ट टाइम, मतलब हमें भी वी केम टू नो अबाउट दिस। अच्छा लगा देख, अच्छा लगा, बहुत मजा। प्राउड फील, हाँ प्राउड फील हुआ। फुटबॉल टीम किस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल। हाउ इज योर एक्सपीरियंस? जल्दी से बोलो, जल्दी से। नाइस, अच्छा। बस मैदान पूछना है ना, मैदान के लिए सर प्लीज बताइए कैसी रही मूवी जनता को देखने वाली? इट्स अ नाइस मूवी जी, और काफी अच्छी मूवी थी, एक्टिंग अच्छी थी अजय देवगन की, और स्टोरी लाइन अच्छी थी। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी। इस तरह से अजय देवगन ने पोर्ट्रे किया, एक बायोपिक, बहुत अच्छी सी, बहुत अच्छी सी, मतलब जिसका भी किरदार था ये बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया। वो जो एक संघर्ष दिखाया, वो अच्छा लगा। बहुत अच्छी, लगता सबको आना चाहिए इस मूवी के। हाँ, आना चाहिए। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस मूवी मैम। एंड स्पोर्ट्स के ऊपर थी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इंडिया जब भी जीतता है हम लोग बहुत खुश होते हैं, एंड अजय देवगन इज सम बियॉन्ड वर्ड्स। वो हमेशा ही कि हर मूवी में ओवर एक्सप्रेसिव और एकदम करेक्टर में घुसे होते हैं, बहुत ही बढ़िया। मैम मूवी ज़रूर देखनी चाहिए ये वाली, एंड स्पेशली किड्स को दिखानी चाहिए, एक अलग जोश आता है, समझ आती है दैट यू शुड नेवर गिव अप। मैम इस मूवी के को देखने के बाद रहीम सर, जिनको हमें नहीं मालूम था उस कोच के बारे में, मुझे लगता है कि आज जिन जिनने मूवी देखी उनको बहुत कुछ पता चला होगा अपने उस कोच, महान कोच के बारे में, तो उनको याद करके उनके उस काम को, उनके उस संघर्ष को, उस टफ सिचुएशन को कैसा महसूस हुआ कि उस इंसान ने कितना संघर्ष किया? वी शुड नेवर गिव अप इन एनी सिचुएशन, मर रहे हैं जी रहे हैं जो मर्जी है, यू शुड कीप ऑन वर्किंग फॉर द ड्रीम दैट यू हैव, यू शुड नेवर गिव। That's it. Feel proud. Yeah. जब हम अपनी टीम को, इंडिया को आगे जाते हैं। Sure, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. बहुत अच्छा लगा। आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं। Thank you.